ये मन्ना पॉल्स नेशनल पार्क है, जो कि जंबाजी रिवर, जो ये नदी देख रहे हैं आप चारों तरफ से, ये नदी फैला हुआ है, जंबाजी नदी के में है, और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जिम्बाब्वे शहर में स्थित है। और ये जो आप देख रहे हैं, इसमें दो तरफ है, एक नदी के किनारे इस साइड नॉर्थ है और एक एक साइड साउथ है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग है। तो इसका लगभग जो ये मन्ना पॉल नेशनल पार्क है, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, मीन्स यूमेज से डायरेक्ट मन्ना पॉल्स नेशनल पार्क इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट फॉर इट्स स्प्लेंडिंग सेटिंग अलोंग द जम्बाजी रिवर इन जिम्बाब्वे, एंड इट्स एरिया इज 219,600 हेक्टर। मान ये कह सकते इसका जो क्षेत्रफल है 219,600 हेक्टर है। और जनरली ये जो पार्क जाना जाता है, इट इज़ वेरी फेमस पार्क फॉर द मोस्ट कॉमन फॉर इट्स एलिफेंट, के हाथियों के लिए पार्क जाना जाता है। जैसे अभी आप देखेंगे तुरंत स्लाइड में इसको, हाथी के अभी आप हाथी को देखेंगे, ये हाथियों के लिए बहुत फेमस है। और ये अफ्रीकन हाथी है, जिसको बोल सकते हैं कि इसका जो कान होता है बड़ा होता है, सूंड लंबा होता है। और ये इस पार्क को हम क्यों न्यूज़ में ले रहे हैं, क्यों हम इसको लोड करना चाह रहे हैं, तो ये नवंबर 2019 में बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में रहा। इससे न्यूज़ में रहा कि एक हाथी जो है शहर में के आसपास पहुंच गया और अपना वो सूंड उठा के, एकदम उठा के ऊपर की ओर बहुत गर्जना कर रहा है, साउंड कर रहा है पानी के लिए, क्योंकि वहाँ पर सूखा पड़ जाता है, हॉट और ड्राई रीजन में पड़ता है, क्योंकि इक्वेटर के पास में है। और ये जो अगर देख रहे हैं, इसका कान जैसे बहुत लंबा है और बड़ा होता है, इसको अफ्रीकन एलिफेंट भी बोलते हैं, इंडियन एलिफेंट से अलग होता है। तो ये इसको देखते हैं, ये आप समझ रहे होंगे इसको कि किस तरह से इसको ये किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं इसको कि ये जो, और ये जो एलिफेंट आती है जो खाने क्या क्या आता है, तो नदी के किनारे ये सब देख रहे हैं पानी पीने के लिए, और इस तरह का जो घास देख रहे हैं, तो इसमें एक बर्ड दिख रहा होगा कि किस तरह से ये जो घोंसला सब बनाया हुआ है, जैसे अगर आप इसको देखेंगे कि ये किस तरह से इसको घोंसला सब बनाया हुआ है, तो ये जो घोंसला बनाया हुआ है इस बर्ड के लिए भी फेमस है। ये जो नेशनल पार्क है बर्ड्स के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। आगे आप देखें कि ये क्यों, यहाँ पर साइबेरियन बर्ड जो है वो भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जैसे वल्चर देख रहे होंगे, तो इसका जो देख रहे हैं कि मुंह जो है ये काला और लाल, ये सफ़ेद दोनों रंग का होता है, और मुंह के ऊपर में रेड टस्क होता है रेड कलर का, और इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा। फिर ये जो सफारी रिवर्स है, ये मतलब आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर लायन और लिपर्ड ही मिलेंगे, जैसे ये हिरन्स जो देख रहे हैं आपको जो है, ये मैंने लायंस का आवाज़ सुना है, और उसको सुनने के बाद ये अपने तरफ है, यानी इसको कह सकते हैं कि देयर इज ए लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ लायन एंड लिपर्ड इन द साउथ ऑफ द पार्क, साउथ ऑफ द मन्ना पॉल्स नेशनल पार्क। यहाँ पहले ही बताया शुरुआत में कि उत्तर और दक्षिण दोनों में है, तो दक्षिण में बहुत ज़्यादा आप लायन और जो है लिपर्ड पाएंगे, जैसे यहाँ पर ये लंगून्स जो होते हैं छोटे छोटे, ये बंदर के बच्चे हैं, तो इसको जैसे मंकीज जो होता है, तो यहाँ पर जो अफ्रीकन मंकीज होता है वो उसके बच्चे को दिखाया जा रहा है। और यहाँ पर इसको देख रहे हैं कि ये एक जो पेड़ जो लटका हुआ है, और ये साउंड करके फ्रीली घूमते हैं, और ये अगर कोई डेंजर जानवर भी आते हैं तो उसको मतलब कि संकेत देते हैं ये आवाज़ करके कि दूसरे जानवर को सुरक्षित करने के लिए। तो जितने भी जानवर जो इसमें चरते रहते हैं, तो वो ये देखते हैं कि कैसे इससे बचा जाए। तो यहाँ पर ये चीज़, अब ये बत्तख जैसे देख रहे हैं, तो यहाँ जो डक होता है इंडियन डक, जो अफ्रीकन डक है वो थोड़ा अलग तरीके का होता है। तो देखिए कुछ जो ब्लैक्स डक्स हैं, जिसको बड़ा से, जिसका हम लोग यहाँ पर व्हाइट जो होता है वहाँ पर ये ब्लैक होता है, और इस तरह से जो दो तीन प्रकार के हैं जो बर्ड्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा। यहाँ देख रहे हो कि जानवर जो है कान खड़ा कर लिया, कान खड़ा कर लिया मतलब ये डेंजरस है, डेंजर को ये समझ नहीं कर रहा है। और ये जो बिग डियर होता है, जिसको वहाँ पर ये बहुत ऊंचा में होता है, और इसका एक देखे होंगे कि ऊपर का भाग जो है ये उठा हुआ है, तो ये मैंने हल्का सा उठा हुआ है, और ये खतरे को भांप लिया है कि कुछ खतरा है, कहीं ना कहीं डेंजर है। तो ये जितना देख रहे हैं कान ऊपर उठा हुआ है, तो ये भी ये लोग जो मानस में होता है तो इस तरह ये होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे आगे कि, और देखिए ये हाइना, जैसे ये हाइना आने का संकेत है, तो हाइना जो है जिसको लकड़बग्घा भी कहा जाता है, वो आने के चलते ये लोग कान उठा लिए, लेकिन हाइना का एक ये फीचर्स है कि वो डेड एनिमल्स को ज़्यादा कोशिश करता है उसको खाने के लिए, तो उसी चलते। और यहाँ पर जो चील है, काइट है, वहाँ पर जैसे यहाँ देख रहे होंगे कि इसका जो सर है ये वाइट टाइप का है, कि वाइट के यहाँ पर जो सर है ये वाइट है, मतलब कि जो चील्स है, और इसको मैंने कि ये वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ डेड एनिमल्स हैं उसके चलते यहाँ पर ये लोग आ रहे हैं। हाइना जो है ये पानी पीने के लिए कुछ करीबी है और आसपास ये ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि कहाँ पर क्या चीज़ है। तो ये मैंने एक स्पॉट में आ गया है, और ये अपने गन से, मैंने कि जो डेड एनिमल्स है उसके गन से वो पकड़ रहा है। और यहाँ पर क्रोकोडाइल्स भी आप देख रहे होंगे कि क्रोकोडाइल्स जो है मूव कर रहा है, तो ये किस तरह से, तो ये मानस में,
अब यहाँ पर दूसरा जो खतरा है उसी पानी के, जो जहाँ पीने के लिए जहाँ पर अभी आप देख रहे थे कि हाइना था लकड़ भगा, तो वहाँ लाइन सब जा रहे हैं। तो जैसे हम पहले ही बताया कि जो कंसंट्रेशन है, लार्ज कंसंट्रेशन है लायन और लिपर्ट का, जो साउथ ऑफ द पार्क, यानी जो जो माना पोल्स नेशनल पार्क है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के, उसके साउथ में ये बसा हुआ है, तो यहाँ पर ही है। तो ये हाई डेंसिटी, और यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे कि ये जो मानस नेशनल पार्क है, ये एक मतलब कि वाइल्ड डॉग के लिए भी जाना जाता है। आई मीन माना पोल्स हैज़ वेरी हाई डेंसिटी ऑफ वाइल्ड डॉग, जंगली जो कुत्ता होता है, एंड दे आर करेंटली 6 पैक्स, कि 6 झुंड अभी वहाँ पर है, और जिसमें कम से कम 100 जो है युवा जो मतलब कि जंगली कुत्ता है वो है यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे एक ग्रुप्स है, ये मतलब कि लायंस का ये ग्रुप करके 7 ग्रुप बना के ये चलता है। अब ये देख रहे हैं बुफेलो, जैसे द पार्क इज होम टू मोस्ट ऑफ द कॉमन सफारी एनिमल्स बुफेलो आर अमेंडेड, कि जो देखते हैं इसमें बुफेलोस है, जेब्रास है, और बुफेलो बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पाया जाता है और इस पार्क में, तो इसको देखेंगे। और यहाँ आप कब घूमने जा सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप कब घूमने जा सकते हैं। तो इसको जो घूमने का मौसम होता है, जुलाई से लेकर अक्टूबर तक जो होता है बेस्ट टाइम होता है आपको पार्क को देखने के लिए, व्यू करने के लिए, मीन्स फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर इट्स द बेस्ट टाइम फॉर वाइल्ड लाइफ व्यूइंग इन द पार्क। तो उम्मीद है कि आप सारा कुछ समझ गए होंगे, और इसी पिक्चर के साथ इस वीडियो को फिनिश करते हैं।